तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए जल्द ही भारत में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए देश के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल पहुंचकर तैयारियों का खास जायजा लिया है। आपको बता दें कि देश के 116 जिलों में 259 जगहों पर कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पहले फेज में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को फ्री वैक्सीन मिलेगी और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। पूरे देश में, सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, वहां पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज दिल्ली में भी ये एक्टिविटी 3 स्थानों पर हो रही है, जिसमें से एक स्थान ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल है, जिसमें यहाँ का जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चलेगी, जो बेनिफिशरीज पोटेंशियल हैं, हमारा कोविन प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, कैसे लोग आकर वेटिंग रूम में बैठेंगे, कैसे वैक्सीनेशन लेने के बाद वो ऑब्जर्वेशन के अंदर बैठेंगे, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा, कैसे अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है फॉलोइंग वैक्सीनेशन उसको मैनेज करने के लिए इमरजेंसी किट्स हैं, एडलिन दवाई है, उसको शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स के लिए ये जो जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ों को आज, और जो फिर वैक्सीनेटर्स और उनके साथ जो उनके हेल्पर्स हैं उनको भी डिजिग्नेटेड काम दिया गया है। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 करके अलग अलग सबके काम हैं, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे एसेस करने की कोशिश की है।